Hi guys, this is your Just Ma'am here. I hope you all are doing fine. So today in the class we have to see about the some numerical problems which are related to chapter number 1, class 11th chemistry. And the numerical problems will be related to the determination of empirical and molecular formulas and stoichiometry limiting reagents. ओके तो ये जो टॉपिक होते हैं इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं हम इसमें कवर अप करने वाले हैं और बेसिकली जो मोल है वो हर जगह इन्वॉल्व होने वाला है. मोल कॉन्सेप्ट हैज टू बी अप्लाइड एवरीवेयर. ओके सो यू कैन से दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द मोल न्यूमेरिकल्स आल्सो. सो लेट अस सी बट स्टिल आई हैड सेड यू अर्लियर दैट दैट मोल न्यूमेरिकल्स कैन बी आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ना मोल इज अ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट. इट हैज सो मेनी एप्लीकेशंस. बहुत जगह पे हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है. So whatever numericals we are going to see today, there we will see that there is application of mole concept also, yet they are different categories. Okay, so first numerical, let us start with the first numerical because we have to cover up a few numericals in this video. So let us start quickly. So first numerical is what? Determine the empirical formula of Kevlar used in making bulletproof vest. Its percentage composition is 70.6% carbon, 4.2% hydrogen, and we are having 11.8% nitrogen and 13.4% oxygen. So this is the question which we have to see. Okay, so बच्चों जब हमें empirical formula का इस तरह का numerical करना होता है, so as I had told you that what is the definition of empirical formula? The definition of empirical formula is what? कि हमको ये जो सारे elements हैं इनका simple whole number ratio में composition निकालना है. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला, दैट इज द डेफिनेशन. तो हमको सबसे पहले सबके मोल्स आइडेंटिफाई करने हैं. ओके वी हैव टू फाइंड आउट द मोल्स ऑफ ईच एंड एलिमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस सब्सटेंस. सो हमारे जो एलिमेंट्स हैं सबसे पहले हम उनको लिस्ट अप करेंगे दैट व्हाट आर व्हाट द एलिमेंट्स गिवन इन आर गिवन टू अस इन द क्वेश्चन. सो वी आर हैविंग फोर एलिमेंट्स कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन. ओके दीज आर द फोर एलिमेंट्स विच वी आर हैविंग इन आवर क्वेश्चन. नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? इन नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट डाउन देयर एटॉमिक मासेस. ओके बिकॉज इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मोस्ट एटॉमिक मास इज कंपल्सरी और यू कैन से मोलर मास. सो कार्बन इज हैविंग 12, हाइड्रोजन इज हैविंग 1, नाइट्रोजन इज हैविंग 14 एंड ऑक्सीजन इज हैविंग 16. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? Next thing is we have to find out the number of moles of each element in this compound. तो अगर हम ये percentage दे रखा है, अगर हमारे substance को 100 gram मान लेते हैं तो ये जो सारे percentage है ये हमारे substance के mass हो जाते हैं grams के अंदर. And number of moles है ना, we have to find out the, यहाँ पे हम इसको relative number of moles भी कह सकते हैं क्योंकि ये जो सारे moles एक दूसरे के relatives हैं. Okay, so when we find out the number of moles here, so what we have to do, we know the formula mass upon molar mass. Okay, we will apply the same formula here. So mass of carbon is given 70.6. Okay, so आप चाहे तो यहाँ पर एक कॉलम और बना सकते हैं, ठीक है? In between we are having one column of percentage also. The percentage given to us in the question, that is 70.6. Hydrogen is given us 4.2, nitrogen is given to us 11.8 and oxygen is given to us 13.4. That one column also we can add here. So now let us find out the number of moles. Okay, so 70.6 divided by 12. Here it will be 4.2 divided by 1. Here it will be 11.8 divided by 14 and here it will be 13.4 divided by 16. ओके बच्चों तो हमको ये सॉल्व करना है तो 4.2 डिवाइडेड बाय 1 तो 4.2 हो ही जाएगा आपका. फिर हमें ये सॉल्व करना है 14, सो वी माइट विल बी हैविंग 0. बिकॉज़ नीचे छोटा नंबर है तो आंसर हमारा 0. में ही आना है और मेरे ख्याल से ये 8 की टेबल से जाता है तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 8.4 है, 0.84 यहाँ पे हमारा आना चाहिए. यहाँ भी 0 से आंसर स्टार्ट होगा. ओके ये भी मेरे ख्याल से हमारी 8 की टेबल से चला जाएगा, ठीक है? दिस विल आल्सो गो बाय द टेबल ऑफ 8, 148, 16, 8 जा, 8 6 जा, वी विल बी हैविंग 8 6 जा, 48, कैरी लगा 4, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 इज
that is eight plus four 12, yes. तो हमारे ये 8 की टेबल से जा रहा है, तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से 0.84 के करीबन यहाँ आंसर आना चाहिए। बचा हमारा ये वाला डिवीजन, तो ये होल नंबर में आएगा बड़ा, क्योंकि नीचे छोटा नंबर है, ऊपर 70.6 है। तो मेरे ख्याल से हमारा ये जाएगा 5 से, क्योंकि 12 5 का हमारे पास होता है 60 और 12 6 का हमारे पास 72 हो जाता है, तो यहाँ पे 5 लगेगा पॉइंट। ओके, 12 5 का 60 जा रहा है, तो हमारा यहाँ पे करीबन जब हम इसको सॉल्व करेंगे 12 की टेबल से, तो हमारा आंसर यहाँ पे आना चाहिए, दैट इज 5.8 आएगा आगे एंड देट 8। ओके, तो दिस विल बी आवर सॉल्यूशन, ओके, ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द व्हाट, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, दिस इज आवर मेन थिंग, बिकॉज यहीं से हमको जो हमारे सब्सटेंस का एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चलेगा। सो टू फाइंड आउट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, हम हमारे जो ये सारे मोल्स आए हैं इनको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो जो सबसे छोटा मोल है वो 0.84 है, जो कि हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए क्या है, सेम है। तो 4.88 डिवाइडेड बाय 0.84, 4.2 डिवाइडेड बाय 0.84, 0.84 डिवाइडेड बाय 0.84 एंड 0.84 डिवाइडेड बाय 0.84। ओके, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो जो दो टर्म है ये तो बहुत इजी आ गई है, 0.84 डिवाइडेड बाय 0.84 इज इक्वल टू 1। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो में कितना पार्ट रहेगा वो हमको मिल चुका है, दैट इज 1 एंड 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 0.84, 4.2 डिवाइडेड बाय 0.84 एंड 5.88 डिवाइडेड बाय 0.84। ओके, तो ये हमारा 0.84 है, तो हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मेरे ख्याल से ये आपका 7 से जाना चाहिए, ठीक है, 84 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो ऊपर का नंबर मेरे ख्याल से आ सकता है 7 4 28 का 8 कैरी लगा 2, 7 8 56 56 + 2 58, तो ये हमारा यहाँ पे 7 आ जाएगा आंसर। पॉइंट्स के हिसाब से कर रही हूँ, पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 7 आ जाएगा। और हम नीचे वाला करके देखते हैं, हमारा जो हाइड्रोजन का है दैट इज 4.2 डिवाइडेड बाय 0.84, तो ये अगर 7 से गया है 5.88, तो मेरे ख्याल से ये आपका 6 से नहीं जाएगा, ये हमारा 5 से जा सकता है। तो हम इसको 5 से निकाल के देते हैं, 84 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो क्या होगा यहाँ पे, 5 4 वी विल बी हैविंग 20 कैरी लगा 2, 5 8 40, 40 + 2 42 आ गया आंसर हमारा। तो ये हमारा जा रहा है 5 टाइम्स, तो ये हमारे यहाँ आ गए हैं सिंपल होल नंबर आ गए हैं, ठीक है, तो हमारे पास आ गया, ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है, क्या आ गया हमारा 7 5 1 1। सो वी हैव कैलकुलेटेड द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, है ना, यहां से हमने क्या निकाल लिया, हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल लिया। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ आर सब्सटेंस विल बी C7H5NO, दिस इज योर आंसर, ठीक है, ये हमारा क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा। ओके, तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है एम्पिरिकल फॉर्मूला काउंट करने के लिए, उसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपके जो परसेंटेज है, आपको हमारे एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है वो आपको लिखना होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम एटॉमिक मासेस क्वेश्चंस में दिए भी जाते हैं, अगर यहाँ पे कोई अनयूजुअल एलिमेंट हो जो बहुत ज्यादा यूज में नहीं आते हैं, तो आपको क्वेश्चन में एटॉमिक मासेस गिवन होते हैं। बट यहाँ पे जैसे ये जनरल एलिमेंट्स है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, सो इनके एटॉमिक मासेस वी शुड नो, ठीक है, इनके एटॉमिक मासेस वी शुड मेमोराइज। ओके, तो फिर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे मास अपॉन मोलर मास के फॉर्मूला से, तो हमने सभी के रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाले, फिर हमने उसका होल नंबर रेशियो निकाला, ठीक है, जो भी मोल्स थे उसको हमने वी हैव डिवाइडेड विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स, सो वी आर गेटिंग अ होल नंबर रेशियो, ऑलरेडी यहाँ पे हमें होल नंबर में मिला है। अगर यहाँ पे होल नंबर में नहीं मिलता तो हम इसे होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो वी आर हैविंग सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो,
उसके हिसाब से कार्बन के 7 मोल्स होंगे, हाइड्रोजन के 5, नाइट्रोजन के 1 एंड ऑक्सीजन के 1। तो ये हमारे पास हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाता है सब्सटेंस का C7H5NO। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल एंड फर्स्ट सॉल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से एंड देन वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट इन क्विकली। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम व्हिच इज रिलेटेड टू स्टोइकोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करने का लिया है, क्योंकि इन लास्ट क्वेश्चन वी हैड जस्ट डिटरमाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला, सो वी शुड नो हाउ टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑल्सो। सो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, इट इज कंपल्सरी कि पहले हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालें, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला से ही बाद में के निकल करके आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आता है। तो सबसे पहले जो हमारा इसमें रहेगा कि हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे सब्सटेंस का फाइंड आउट करना है। पर अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैज 40.68% कार्बन, 5.08% हाइड्रोजन। ओके, दिस हैज बीन गिवन टू अस एंड रेस्ट ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन का परसेंटेज हमें नहीं दिया है, तो वो हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं हम? हमारा कार्बन का कितना है 40.68% एंड हाइड्रोजन इज 5.08%। तो ऑक्सीजन का परसेंट आराम से इन दोनों के एडिशन से निकल जाएगा। इन दोनों का ऐड करके हम 100 में से माइनस कर देंगे, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या हो जाएगा? 100 माइनस, ओके, 40.68 प्लस 5.08। तो जब हम एडिशन करेंगे तो 8 एंड 8 16, कैरी लगेगा 17.540। ठीक है, तो ये हमारा इन दोनों का एडिशन आता है 45.76। 100 में से हम इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो जब इसको हम 100 में से माइनस करेंगे तो हमारा जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या निकल के आएगा जब हम इसको माइनस करेंगे? मेरे ख्याल से 54.24% हमारी ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल कर आ गया। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन है कि अगर किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज आपको गिवन नहीं है तो बाकी सबके एलिमेंट्स के परसेंटेज को आप 100 में से माइनस कर दीजिए, तो आपको जो रिमेनिंग एलिमेंट है जिसका परसेंटेज उन्होंने नहीं दिया है क्वेश्चन में, आप आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, बोर्ड छोटा है बच्चों, तो मैं थोड़ा ऐसे ही स्मॉल स्पेस में इस न्यूमेरिकल को कवर अप करने की कोशिश करूंगी एंड आई होप आप कोऑपरेट करेंगे, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट ना। सो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। वी आर हैविंग 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, एलिमेंट and next we write down the percentage, that what is the percentage given to us, that is 40.68% carbon, hydrogen 5.08%, okay, and oxygen is given 54.24%. so this we have calculated the percentage given according to the question, this we have written. Now we will write down the atomic masses of all the elements. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट द एटॉमिक मासेस। जो क्वेश्चन के दौरान ही हम कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है, वी आर गोइंग टू डू द कैलकुलेशंस आल्सो अलोंग विद द न्यूमेरिकल्स, क्योंकि आप जानते हैं कि आप लोगों को कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं है, तो हम हमारी कैलकुलेशन की भी जितनी प्रैक्टिस करें, जितना उसे फास्ट करने की कोशिश करें, हमारे लिए वो उतना ही हेल्पफुल होगा। ओके, तो मैं आप लोगों से इंसिस्ट करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल देख लिया, पैटर्न कैसा है, सॉल्व कैसे होता है, मेथड देख लिया, फिर उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और खुद कैलकुलेट कीजिए, तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी, फास्ट होती जाएगी। देर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, मुझे भी बहुत इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ओके, सो एटॉमिक मास हम लिख देते हैं सबका, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 एंड ऑक्सीजन का हमारा होता है 16। तो ये जनरल एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए। ओके, यू शुड रिमेंबर द एटॉमिक मासेस ऑफ दीज कॉमन एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हमें याद होने चाहिए। नाउ लेट अस फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो हाउ वी विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स? वी विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स बाय द फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास, जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया, 14.68 डिवाइडेड बाय 12, 5.08 डिवाइडेड बाय 1, 54.24 डिवाइडेड बाय 16। ओके, तो सबसे इजी सबसे पहले कर लेते हैं, 5.08 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 5.08।
अभी कर लेते हैं हम, तो ऊपर 40 है, नीचे 12 है, 3 की टेबल से जा रहा है, 12 से 36, 3 पॉइंट, ठीक है, 40 में से 36 क्या 4 बचा, इधर हो जाएगा 46, तो फिर से 3 की टेबल से जाएगा क्योंकि 12 फोर जा 48 हो जाता है, 3.3, ओके, तो 46 माइनस 36 10 बचा, तो 108 हो जाएगा, तो हमको पता है कि 12 में इंजा कितना होता है 108, तो ये हमारे कार्बन के मोल्स आ जाते हैं हमारे सामने, दैट इज 3.38, ओके। अब ये इसी तरीके से हम 16 का कर लेते हैं, डिवाइड करना है हमको 54.24 को 16 से डिवाइड करना है, 16 का टेबल बोलते हैं 16 अंडर 16, 16 टू जा 32, 16 थ्री जा 48 और 16 फोर जा 64 हो जाता है जो कि हमारा 54 से बड़ा नंबर है, तो ये भी 3 से जा रहा है 3 पॉइंट, ठीक है, तो 54 माइनस 48 बचेगा 6, इधर हो जाएगा 62, तो फिर भी 4 से नहीं जा रहा है, फिर भी 3 से ही जा रहा है, तो 3.3, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 62 बचा था और 62 माइनस 48 करना है, ठीक है, तो हमारे पास जो उधर बचेगा दैट इज 144, तो 16 9, ठीक है, तो ये हमारे पास डिवीजन आ गया इसका 3.39, तो ये हमारे क्या आ गए, हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमें क्या निकालना है, सिंपल रेशियो निकालना है, निकाल लेते हैं जल्दी से हम सिंपल रेशियो, ओके, सो लेट अस फाइंड आउट द सिंपल रेशियो, सेम मेथड टू फाइंड आउट द सिंपल रेशियो, सारे मोल्स को हम छोटे मोल से डिवाइड करेंगे, ओके, सो जो हमारा स्मॉलेस्ट मोल है, जो सबसे छोटा मोल है वो कौन है 3.39, उसी से हमको सभी को डिवाइड करना है, तो पहले तो 3.39 डिवाइडेड बाय 3.39 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, सेकंड सिचुएशन में 5.08 डिवाइडेड बाय 3.39 ये भी आपका अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 2 से जा रहा है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3.39 अपॉन 3.39 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1, ठीक है, तो ये हमारा सिंपल रेशियो आ गया। अब ऑलरेडी रेशियो सिंपलेस्ट है, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है, ऑलरेडी हमारा जो रेशियो है वो क्या है, सिंपल है, ठीक है, तो हमारे पास आ गया सिंपल 1 2 1, ओके, तो हमारे कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल कर आ जाता है आपका, वो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा CH2O। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल गया लेकिन हमें निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमारे सब्सटेंस का, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकला है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास की जरूरत पड़ेगी, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में जो रिलेशन है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, वो मतलब बिफोर 2 वीडियोस आई थिंक हमने ये टॉपिक मैंने आपको वीडियोस में एक्सप्लेन किया, तो आप मेरा ओल्ड वीडियो देख सकते हैं एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रिलेशन के लिए, उसको मैं एंड स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी आपको वो वाला जो वीडियो है मेरा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 + 2 + 16 कितना आ जाएगा 30, तो ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हमको रिलेशन क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेट अस सी, ओके, दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आई जस्ट टेल यू द रिलेशन, यहाँ पे भी मैं वो रिलेशन आपसे शेयर कर देती हूँ, दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय एन, ओके, एंड एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है, इट इज स्पेलिंग मिस्टेक है मेरी, तो यहाँ पे आई आना चाहिए, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, लेकिन क्वेश्चन में हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं दिया है, क्वेश्चन में उन्होंने हमको वेपर डेंसिटी की है, ठीक है, तो एक रिलेशन है जो एवोगाड्रोस लॉ से निकला हुआ है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास दे रखा है फिर तो कोई इशू नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे एन की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने हमको क्या दे रखा है, वेपर डेंसिटी दे रखी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू 2, ओके, तो वेपर डेंसिटी कितनी गिवन है हमको क्वेश्चन में, दैट इज गिवन 59, सो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 59 मल्टीप्लाइड बाय
टू। ओके तो 59 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हैं हम, तो 2 9 जा 18, कैरी लगा 1, 2 5 जा 10, 1 1 8। तो ये हमारे सब्सटेंस का क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास। अब हम n की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। n की वैल्यू निकाल लीजिए आप, मॉलिक्यूलर मास अपन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आ रहा है, 118, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमारा आ रहा है 30, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू विच वी हैव टू डिटरमाइन, ओके, दैट 118 डिवाइडेड बाय 30 करके देखते हैं इसको, ठीक है। लेट अस सी व्हाट विल कम। होल नंबर में आंसर यहाँ पे नहीं आने वाला है, ऑफकोर्स आप देख सकते हैं कि अगर टू के टेबल से हम इसको डिवाइड करते हैं तब भी आंसर हमारा होल नंबर में नहीं आएगा। तो करते हैं हम ऑन द स्पॉट कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा बट कैलकुलेशन तो खुद करेंगे, ओके। तो मैं इसको लेके जाती हूँ, टू के टेबल से लेके जाऊंगी मैं, ठीक है। तो ये हमारा 15 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 5 10, ओके। फिर यहाँ पे आएगा 118 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 10 कैरी लगा 1, ऊपर से उतरा नीचे, यहाँ पे आ गया 59, ठीक है। तो मेरे पास आ जाता है 59 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। मेरे पास आ गया 59 डिवाइडेड बाय 15, तो हमको पता है 15 4 जा 60 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर अप्रोक्सीमेटली मेरा आने वाला है 3.9 समथिंग आंसर आने वाला है, जिसको हम होल नंबर में 4 ले सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे 0.9 में आंसर आ रहा है, ठीक है, तो हम उसे अप्रोक्सीमेटली होल नंबर में 4 यहाँ पे ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो हमारी जो n की वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है। तो ठीक है, आप n की वैल्यू पुट कीजिए और फटाफट से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा, ओके। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सब्सटेंस का वो क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय n। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ये हम यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज CH2O। सो CH2O मल्टीप्लाइड बाय, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है ना, हमें पूरे एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करना होगा n से, किसी एक एलिमेंट को हमें नहीं करना है, ओके। सो इफ यू डोंट वॉन्ट टू डू एनी मिस्टेक, तो फर्स्ट यू शुड कवर इट इन टू ब्रैकेट, ओके। फर्स्ट वी शुड पुट अ ब्रैकेट हियर एंड देन वी विल मल्टीप्लाई विद द n, दैट इज 4, ओके। तो अब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, दैट इज सी 4, 2 4 जा 8, एच 8 ओ 4। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ योर कंपाउंड, ओके। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए पहले हम एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करेंगे, और उसका ये जो रिलेशन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला के बीच में, विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वी विल फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन, इट्स गुड क्वेश्चन, और इस तरह के कई और क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में भी आपको वीडियो के एंड में दूंगी फॉर योर प्रैक्टिस, ओके। तो यू कैन जस्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और अगली कैटेगरी का न्यूमेरिकल हम देखने वाले हैं, सो लेट अस मूव अहेड, ओके गाइस, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इट इज रिलेटेड टू स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, और आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही मैंने लिया है, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज प्रेजेंट इन योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 1 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने वाले हैं, सो लेट अस सॉल्व दिस, ओके। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इक्वेशन हमको दी गई है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5.0 ग्राम ऑफ MnO2, दिस इज 5.0 ग्राम ऑफ MnO2, ठीक है। ये हमसे पूछा गया है इस रिएक्शन के अंदर, तो बहुत ईजी है बेटा, है ना, ये स्टोइकियोमेट्री का न्यूमेरिकल है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वेन एवर यू हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस एज आई हैड एक्सप्लेन यू दैट द कैलकुलेशंस विच आर बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वी कैन प्रिडिक्ट सो मेनी कंडीशंस, वी कैन कैलकुलेट सो मेनी थिंग्स अबाउट अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो वही हमको यहाँ पे करना, तो फर्स्ट कंडीशन है कि हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए,
तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन है, ठीक है, ऑलरेडी आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, बट अगर नहीं गिवन है किसी क्वेश्चन में तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन खुद बनानी पड़ती है। ओके, सो लेट अस राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं, MnO2 प्लस 4HCl इज गिविंग अस MnCl2 प्लस 2H2O प्लस 5Cl2। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो ऑलरेडी हमें यहाँ पे लकीली हमारे क्वेश्चन में गिवन है, हमें नहीं बनानी पड़ रही है। तो अब हमको क्या करना है, हमसे उन्होंने पूछा है कि आपका HCl कितने ग्राम, HCl 5 ग्राम MnO2 से रिएक्शन करेगा। तो रिलेशन आपसे पूछा गया है मैंगनीज ऑक्साइड और HCl के बीच में। तो सबसे पहले जो हमें MnO2 और HCl के जो ग्राम्स हैं वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने हैं, सबसे पहले हमें वो निकालना होता है बेटा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द ग्राम्स ऑफ दिस MnO2 एंड HCl, द रिएक्टेंट्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे सबसे पहले निकालना होगा। निकाल लेते हैं, इजी है, MnO2 1 मोल ही है यहाँ पर, तो कोई टेंशन ही नहीं है। मैंगनीज का एटॉमिक मास 55 होता है और ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, ठीक है, तो 16 2 डायरेक्टली मैं यहाँ पे 32 लिख देती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 55 प्लस 32 दैट विल बी इक्वल टू 5 प्लस 2 7 एंड 5 प्लस 3 8। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मैंगनीज ऑक्साइड हमारे पास 87 ग्राम है, मैंगनीज डाइऑक्साइड सॉरी। ओके, अब हम HCl की बात कर लेते हैं, तो HCl का जो मोलर मास है वो 36.5 होता है बेटा, मेरे ख्याल से ये हमको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, तो 1 प्लस 35.5 36.5 मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे पास ये 4 है। ओके, सो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 4, 36.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सो 4 से मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पे, तो 36.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 5 20 कैरी लगा 2, 4 6 24 प्लस 2 28 कैरी लगा फिर से 2, 4 6 24 प्लस 2 26 कैरी लगा 2, 4 3 12 प्लस 2 14, तो ये हमारे पास आ जाता है 146.0, ठीक है। ये हमारे किसके निकल गया, HCl का मास निकल गया। तो कैलकुलेशन बच्चों में तुम्हारे सामने ही कर रही हूँ, ओके, जहाँ मैं अटकूंगी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगी। सो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है अकॉर्डिंग टू आर बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 5 ग्राम MnO2 कितने HCl से रिएक्शन करेगा, और बैलेंस केमिकल अकॉर्डिंग रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो 87 ग्राम MnO2 है, ठीक है, वो 146 ग्राम HCl से रिएक्शन कर रहा है। तो हमें निकालने क्या है, HCl के ग्राम्स निकालने हैं, ठीक है, बाय द गिवन ग्राम्स ऑफ द MnO2। तो यूनिटरी मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सिंस 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट्स विथ हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, 146.0 ग्राम ऑफ HCl, एक ही बात है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कंडीशन हमारे पास है कि 87 ग्राम MnO2 कितने HCl से रिएक्शन कर रहा है, इट इज रिएक्टिंग विथ 146.0 ग्राम ऑफ HCl, सो देयरफॉर 5 ग्राम MnO2 विल रिएक्ट विथ हाउ मच HCl, 146 डिवाइडेड बाय 87 मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके, तो यहां से 5 ग्राम HCl कितने MnO2 से रिएक्शन करेगा ये हमारा निकल के आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर 8.4 ग्राम में आएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन ने कई बार सॉल्व कर चुके हैं, तो थोड़ा सा आंसर मुझे ध्यान है इसका, अप्रोक्सीमेटली योर आंसर विल बी 8.4 ग्राम। ओके, तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल है जो हम सीन्स देयर फोर से करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इस तरह की जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं कि हम उसमें ये अंदाजा लगाते हैं कि ये रिएक्टेंट इतना है तो दूसरा कितना लगेगा, ये रिएक्टेंट इतना है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा,
they are known as the stoichiometric calculations. So this is the numerical related to stoichiometric calculation. Easy question था, आपका NCERT exercise का question है, आप screenshot ले लीजिए, then we move towards the next question. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो फिर से मैं आपका स्टोइकोमेट्री से लूंगी और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लिमिटिंग रिएजन पे भी आएंगे कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजन. लिमिटिंग रिएजन क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, और उसे हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है, एंड वाई इट इज इम्पॉर्टेंट इन स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन ऑल्सो. ठीक है, जब भी हमारे पास कोई स्टोइकोमेट्री से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको पहले उसमें लिमिटिंग रिएजन फाइंड करना पड़ेगा. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट, फिर हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा. ओके, सो लेट अस सी दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट ऑल्सो. ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा इससे थोड़ा डिटेल्ड होगा. ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन विच आई हैव टेकन. इफ 20.0 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विद 20.0 ग्राम ऑफ HCl, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड can be produced according to the reaction. Okay, reaction is written on the board. Okay, तो हमारे पास हमारे जो दोनों reactants हैं उनकी amount हमें given है 20.0 ग्राम एंड 20.0 ग्राम, और हमसे पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी. ओके, केमिकल इक्वेशन हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो मैं यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देती हूँ. ओके, अब बच्चों हमें यहाँ पे क्या निकालना है कि एक प्रोडक्ट की अमाउंट निकालना है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना बनेगा, वो हम कैल्शियम कार्बोनेट की हेल्प से भी निकाल सकते हैं और HCl की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, बट बच्चों प्रोडक्ट कितना बनेगा वो हमें निकालना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से. बिकॉज लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, एज आई हैड डिफाइंड दैट द रिएजेंट विच इज गेटिंग कंज्यूम्ड टोटली इन द रिएक्शन, द रिएजेंट विच गेट्स ओवर इन द रिएक्शन, है ना, वो रिएजेंट जो आपके रिएक्शन में पूरा खत्म हो जाता है, जो पूरा कंज्यूम होता है, ठीक है, वो 100% कंज्यूम होके हमें प्रोडक्ट देता है. तो इन दोनों में से जो रिएजेंट 100% कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर हमारे प्रोडक्ट का अमाउंट निकालेंगे तो वो ज़्यादा सही होगा, ठीक है, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट. तो इस तरह के क्वेश्चन में जब हमें ये निकालना हो कि हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो सबसे पहले हमें हमारे रिएक्टेंट्स में से एक लिमिटिंग रिएजेंट निकालना चाहिए. तो यहीं पर इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकलता है वो हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. हालांकि लिमिटिंग रिएजेंट डायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए कुछ ट्रिक्स भी होते हैं, देर आर सम ट्रिक्स, बहुत सारी जगह पे ट्रिक वैलिड हो भी जाता है, नहीं भी होता है, लेकिन यहाँ मैं आपको डिटेल्स मैटरी अभी समझाऊंगी क्योंकि हमें लॉन्ग रूट भी आना चाहिए अलॉन्ग विद द शॉर्टकट. ओके, तो देखते हैं हम, तो दिस इज आर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, चलिए सॉल्व करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को. तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं सबसे पहले, 40 प्लस 12 प्लस 48, 16 थ्री जा 48, तो हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाता है 100 ग्राम. ओके, सो बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग, इक्वेशन के अकॉर्डिंग 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हमारा रिएक्शन कर रहा है. किससे कर रहा है, HCl का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, 2 × 36.5. ओके, तो मेरे ख्याल से 73 आ जाएगा आपका. ओके, सो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 73 ग्राम HCl से रिएक्शन कर रहा है. जिस प्रोडक्ट के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई है हम सिर्फ उसकी बात करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा हमारा, 12 + 2 × 16 = 44 ग्राम. तो ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का मास है अकॉर्डिंग टू योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. चलिए अब हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे. लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे बेटा, एक रिएक्टेंट के मास को हम दूसरे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो मास हमारे क्वेश्चन में दिए गए मास से ज़्यादा है या कम है. वहाँ से हमें पता चल जाता है कि कौन सा रिएजेंट एक्सेस में है और कौन सा रिएजेंट लिमिटिंग है, करके देखते हैं हम. ओके, लेट अस डू सी दिस क्वेश्चन. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, सिंस 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ 73 ग्राम HCl, ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे रही है
कि 100 ग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसे कितना HCl चाहिए कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए, 73 ग्राम HCl से वो रिएक्शन कर रहा है। ओके, देयरफॉर क्वेश्चन में कितना कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, 20.0 ग्राम। सो 20.0 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाउ मच HCl। ठीक है, हमारा जो 23 ग्राम हमारा जो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है वो कितने HCl से रिएक्शन करेगा, ये हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो लेट अस फाइंड आउट, क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू 73 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 20। ओके, इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं हम इसको, तो मेरे ख्याल से ये जीरो से जीरो में यहाँ पे कैंसिल कर देती हूँ, फिर ये टू की टेबल से चला जाएगा, 2 1 2 और यहाँ पे 2 5 10। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं 5 की टेबल से, तो 5 1 5 इधर 13 हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से 5 1 5 तो यहाँ पे 25 4 20 पॉइंट, और यहाँ पे मेरे ख्याल से बचेगा 6। ठीक है, तो मेरे पास जो HCl है वो 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को कितना HCl चाहिए हमारा, 14.6 ग्राम HCl यहाँ पे इसको चाहिए। ओके, बट वी हैव 20.0 ग्राम इन क्वेश्चन ना, 20.0 ग्राम HCl, हेंस HCl इज रिएजेंट इन एक्सिस, क्योंकि HCl हमें चाहिए कितना, 14.6 ग्राम चाहिए अकॉर्डिंग टू आर कंडीशंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 73 ग्राम HCl चाहिए, तो 20 ग्राम को कितना चाहिए होगा वो हमने यहाँ से निकाल लिया, तो वो आ रहा है आपका 14.6 ग्राम, लेकिन हमें गिवन कितना है, 20.0 ग्राम है। तो आपका HCl ज़्यादा है, 14.6 से ज़्यादा दिया गया है हमें, तो HCl हमारा क्या हो गया, रिएजेंट इन एक्सेस एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो यहाँ पर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हमारा जो आगे का पार्ट है, जो हमारा मेन पार्ट है क्वेश्चन का, कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड, वो हम किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, अब कैल्शियम कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द कैल्शियम कार्बोनेट। सो सिंस इजी है आपका, फिर से बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद लेनी है आपको, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 44 ग्राम CO2, CO2 का जो मॉलिकुलर मास है वो 44 होता है ना, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 44 ग्राम CO2, देयरफॉर कितना कैल्शियम कार्बोनेट हमें क्वेश्चन में गिवन है, इट इज गिवन 20.0 ग्राम, 20.0 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव हाउ मच CO2, 44 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 20। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 1 5 तो 44 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं हम, 44 डिवाइडेड बाय 5 8, तो 8 टाइम्स जा रहा है आपका, ऑफ कोर्स 5 8 40 होता है, तो 8.8 ग्राम ये आपका आंसर आ गया। सो CO2 कितनी बनेगी आपकी, 8.8 ग्राम बनेगी विद द हेल्प ऑफ 20.0 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब हमें प्रोडक्ट निकालना होता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा बच्चों, तो आपके जो भी रिएक्टेंट्स गिवन है आप सबसे पहले उसमें से लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करोगे। ओके, आप सबसे पहले उसमें से लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करोगे। लिमिटिंग रिएजेंट का जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो ये होता है कि हमारे जो रिएक्टेंट है उनके मोल्स निकाल लीजिए, और वो जो मोल्स निकलेंगे उनको ये जो हमारे इक्वेशन में मोल्स है उनसे डिवाइड करके जो छोटा वाला आएगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ये एक ट्रिक होता है, ठीक है, लग भी सकता है कहीं नहीं भी लग सकता है, दैट्स ओके। बाकी ये जो लॉन्ग रूट है ये तो आपको हमेशा सही आंसर देगा कि आपका जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन है। ठीक है, सो व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, हमने निकाला कैल्शियम कार्बोनेट, और लिमिटिंग रिएजेंट के रेस्पेक्ट में हम क्या निकालेंगे कि हमसे जो पूछा गया है वो प्रोडक्ट कितना बन रहा है। इसी तरीके से आप अगर कोई और प्रोडक्ट पूछा जाता तो वो निकाल सकते थे कि वाटर कितना बन रहा है रिएक्शन में, कैल्शियम क्लोराइड कितना बन रहा है, वो हम फिर इनके मॉलिकुलर मासेस की हेल्प से आराम से निकाल सकते हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा निकालने की इसी क्वेश्चन में कि मतलब वाटर कितना बनेगा और कैल्शियम क्लोराइड कितना बनेगा विद द हेल्प ऑफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सो दैट आल्सो यू कैन कैलकुलेट द मासेस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। ओके, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन,
Then I'll explain you one more question. ओके बच्चों, तो एक क्वेश्चन और हम देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड, दैट विल बी द लास्ट न्यूमेरिकल फॉर दिस वीडियो. ओके ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेट अस सी दिस क्वेश्चन. कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन दी गई है हमें क्वेश्चन के अंदर, बड़ी रिएक्शन दी गई है. हाउ मेनी मोल्स ऑफ फॉस्फरस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ 0.10 मोल्स ऑफ दिस कंप्लीट सॉल्ट, ओके, कैल्शियम फॉस्फेट फ्लोराइड and then 0.36 moles of silica and 0.90 moles of carbon according to following reaction. तो ये हमको एक बड़ी सी रिएक्शन दी है, इसके अकॉर्डिंग हमको निकालना है कि फॉस्फोरस के कितने मोल्स यहाँ पर बनेंगे. ओके, दिस इज योर क्वेश्चन. तो लेट अस सॉल्व अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन. कैल्शियम फॉस्फेट क्लोराइड के हमारे पास जो मोल्स हैं वो 4 मोल्स हैं, सिलिका के हमारे पास 18 मोल्स हैं और कार्बन के हमारे पास 30 मोल्स हैं और फॉस्फोरस हमारा बन रहा है 3 मोल्स. ओके, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन. बट मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट. फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएजेंट. सो लेट अस कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएजेंट. तो कार्बन के रिस्पेक्ट में हम निकाल लेते हैं, कार्बन के मोल्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिख रहे हैं. तो पहले हम निकाल लेते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के मोल्स, कि कैल्शियम फॉस्फेट के मोल्स क्वेश्चन में हमें 0.10 दिए गए हैं. तो क्या 30 ग्राम कार्बन को इतने ही चाहिए या इससे ज़्यादा या कम चाहिए, तो हम निकाल लेते हैं. ओके, तो सबसे पहले मैं लिमिटिंग रिएजेंट निकालूंगी, फिर हम फॉस्फोरस कितना बनेगा वो हम लिमिटिंग रिएजेंट के रेस्पेक्ट में आराम से निकाल सकते हैं. तो लेट अस कैलकुलेट, सिंस 30 मोल्स कार्बन रिक्वायर्स 4 मोल सॉल्ट. ओके, सो देयरफॉर कितना हमें कार्बन है गिवन क्वेश्चन में, दैट इज 0.90. ठीक है, दैट इज 0.90 मोल्स. ओके, सो 0.90 मोल्स ऑफ कार्बन. ठीक है, 0.90 मोल्स कार्बन को कितना लगेगा ये हमारा जो रिएजेंट है वो हम निकाल लेंगे. सो लेट अस कैलकुलेट दैट हाउ मच इट विल बी रिक्वायर्ड. ओके, 0.90 को कितना लगेगा. सो लेट अस कैलकुलेट, 4 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.90. ओके, सो बाय दिस इक्वेशन वी विल कैलकुलेट, ओके, दैट कि हमारे पास कितना लगेगा हमको कैल्शियम फॉस्फाइड वाला जो ये सॉल्ट है. ओके, सो ऑफकोर्स कैलकुलेशन टाइम लेने वाली है हमारा. ओके, so let us see how much we will get. okay, so let us see that is 4 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से अगर हम इसको कट करते हैं तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.03 होता है, यहाँ पे हमारा आएगा 0.12. तो हमारे पास जो फॉस्फोरस के मोल्स हैं, ठीक है, जो सॉल्ट के मोल्स हैं हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट फ्लोराइड के, वो हमारे पास कितने हैं, 0.012 मोल्स. ठीक है, नाउ लेट अस कैलकुलेट द मोल्स ऑफ सिलिका. सिलिका के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं इन द सेम मैनर. सो लेट अस कैलकुलेट द मोल्स. ओके, सिंस 30 मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, कितने सिलिका चाहिए उसको, 18 मोल्स सिलिका SiO2. तो देयरफॉर हमारे पास कितना है कार्बन, 0.90 मोल्स कार्बन इज इक्वल टू, उसको कितने मोल्स चाहिए होंगे, दैट विल रिक्वायर 18 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.90. सो 18 मल्टीप्लाइड बाय 0.03 फिर से आ जाएगा, सेम डिवीजन है. तो 18 3 18 18 2 36 18 3 54, सो वी विल हैव 0.54 मोल्स ऑफ सिलिका. तो बच्चों अब तुम क्वेश्चन में देखो, ठीक है, लेट अस सी इन द क्वेश्चन. सिलिका के हमको चाहिए 0.54 मोल्स, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 0.36 मोल्स. ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए, हालांकि कैल्शियम फॉस्फेट फ्लोराइड के भी मोल्स हमारे पास कम है, दे आर 0.10 मोल्स और यहाँ पर है 0.12 मोल्स,
सो इट इज नॉट अ बिग डिफरेंस. यहाँ पे हमारा डिफरेंस बहुत ज्यादा है. हमको चाहिए कितने 0.54 मोल्स चाहिए, लेकिन हमें मिले क्या है 0.36 मोल्स ही मिले हैं सिलिका के. तो सिलिका यहाँ पे हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है. ओके, SiO2 इज लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, क्योंकि इसके जो मोल्स हैं वो हमारे पास कितने हैं 0.54 मोल्स हैं. ठीक है, ये हमें चाहिए, लेकिन है हमारे पास सिर्फ 0.36 मोल्स. तो अब लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे. हमें क्या निकालना है, फॉस्फोरस के मोल्स निकालने. तो सिंस अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 18 मोल्स सिलिका गिव्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ फॉस्फोरस, 3 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस. सो देयरफॉर हमारे पास है कितने सिलिका 0.36 मोल्स सिलिका विल गिव हाउ मच फॉस्फोरस, 3 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 0.36. तो आप इसको सॉल्व करके अपना यहाँ पर आंसर निकाल लीजिए. ठीक है, कि हमारे पास फॉस्फोरस के कितने मोल्स यहाँ पर बनेंगे. ठीक है, आपका जो आंसर है वो 0.06 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आना चाहिए. ठीक है, हम इसको करके भी देख सकते हैं, मेरे ख्याल से ये हो जाएगा हमारा. ठीक है, 18 के टेबल से जा रहा है यहाँ पे. ठीक है, 18 मजा और ये 0.02, तो हमारा जो आंसर है 0.36 डिवाइडेड बाय 18. ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 36. ओके, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट हटाती हूँ तो यहाँ पे 10 की पावर क्या लग जाएगा, -2 लग जाएगा. ओके, तो 18 वनजा 18 और 18 सिक्सा, ठीक है, 3 सिक्सा 18 कट गया यहाँ से, 6 वनजा 6 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6. तो 6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 0.06, ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है, तो हमारा जो फॉस्फोरस है वो कितना बनेगा 0.06 मोल्स. तो जब हमें प्रोडक्ट बनाना होता है बेटा, तब हम किसका यूज करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट का. ओके, देन फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएजेंट, देन वी कैन मेक द देन वी कैन फाइंड आउट द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट विच इज फॉर्मिंग इन द रिएक्शन. ओके, सो बच्चों ये कुछ स्टोइकोमेट्री और एम्पिरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से मेथड मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है. ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अनसोल्व क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, हमारी कैलकुलेशन की स्पीड तेज होगी तो हमसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा और मिस्टेक्स नहीं होंगे. ओके, हालांकि टाइम लगता है कैलकुलेशन करने पर हमको पता है कि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारा जो कैलकुलेशन हैंड है वो फास्ट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज अबाउट सम न्यूमेरिकल्स. इसके बाद मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक लेने वाली हूँ इस चैप्टर का, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, मोल्स इन सॉल्यूशन, दैट वी हैव टू सी एंड वी हैव टू सी सो मेनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देम, एंड आई विल टेक सम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आल्सो. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, आपको लग रहा है कि हमने कुछ सीखा है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स से वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, हिट द लाइक बटन, गिव सम कमेंट्स. ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. बाय बाय.